मैसेज करें मैसेज बॉक्स में, ताकि मुझे आइडिया रहे कि आप लोग मुझे सुन पा रहे कि नहीं सुन पा रहे हैं, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो बेटा हम लोग जैसे जब हम लोग क्लास टेंथ पास करके इलेवंथ में आते हैं, तो पहली बात बेटा ये समझे कि टेंथ की स्टडी और इलेवंथ ट्वेल्थ की स्टडी, फाउंडेशन की स्टडी, और जो आपकी नींव है, जो IIT के लिए जो नींव है आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए, तो वो बेटा आपको बहुत मजबूती से आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि 9th, 10th and 11th, 12th इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। बहुत अंतर है बेटा, बहुत मेहनत करनी है आपको, और बहुत आपको अगर आप पढ़ने लगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपको मजा भी आएगा, ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे। और बस ये कि हम कैजुअल ना हो, 9th, 10th की स्टडी में हम लोग ईजी वे में 90%, 95%, 96% लेके चले आते हैं, लेकिन सिर्फ उतने ही ईजी वे में अगर हम 11th, 12th पढ़ेंगे बेटा, हम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। हमको टाइम डिवोट करना है, हमको सीरियसनेस बढ़ानी है, हमको सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी टाइम अपने स्टडी को देना होगा, तभी बेटा हम लोग अपने इस इंडियावर में कि हमको IIT कैलकुलेट कवर करना, IIT निकालना है, कि हमको जो है कोई इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालने हैं, KVPY निकालना है हमको, कि हमको IAS बंगलौर में जाना है, ठीक है बेटा, कि हमको NDA में जाना है, या हमको IAS बनना है, कि हमको PCS क्वालिफाई करना है। लेकिन अगर 11th 12th में हम लोगों ने मैथ्स लिया है तो इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। तो पहली बेटा प्रॉब्लम बच्चों के पास आती है कि हम कौन सी बुक फॉलो करें। तो देख बेटा, बेसिक NCERT बेटा सबके पास होनी चाहिए, और मैथ्स में NCERT बहुत हेल्प तो नहीं करेगी, लेकिन इतना जरूर करेगी कि आपको सिलेबस का आइडिया हो जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सिलेबस वेयर वी हैव टू गो थ्रू, क्या हमको फॉलो करना है, क्योंकि उसी चैप्टर से आपके जो है IIT मेंस में क्वेश्चन आते हैं, वहीं से आपके IIT एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन दैट इज द सिलेबस। सिर्फ मैथ से आप पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ NCERT फॉलो करेंगे उससे काम नहीं होगा, लेकिन NCERT होनी चाहिए ये जानने के लिए कि कौन कौन से चैप्टर कौन कौन से टॉपिक हमको कवर करते हैं, ठीक है बेटा। और आप हमारे गुरुकुल पाठशाला के जो भी आपके मटेरियल आपको मिलेंगे, आपको टेक्स्ट बुक्स प्रयास जो टेक्स्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, जो डीपीज मिलेंगी, जो टेस्ट सीरीज मिलेगी, आई थिंक ऑल दीज आर एनफ टू कोप विद IIT, ऑल दीज आर एनफ टू गेट द गुड मार्क्स, अ वेरी गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। हमारे यहाँ बेटा आप नॉन स्कूलिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्कूलिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। अभी इस बैच में जो है बच्चे जो भी हैं वो 10th पास करके जो 11th में आए हैं, जो मैथ सेक्शन में हैं, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप अपना कॉपी किताब जो है कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, और जो भी हमारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे सीरियसली उसको पढ़ें। बेसिक मैथ सब लोग स्टार्ट करेंगे, बेसिक मैथ सब लोग शुरू करेंगे, और इस बेसिक मैथ में हम लोग कुछ टॉपिक कवर कर चुके हैं, कुछ टॉपिक भी बेटा हम लोग कवर किए हैं, मॉडुलस फंक्शन। वेट बेटा थोड़ा मैं माइक्रोफोन लगा लूं, हेलो बच्चों। तो बेसिक मैथ्स में हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन कवर किया है, मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज कवर की है, ठीक है, और उनके उनपे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये हम लोगों ने बेसिक मैथ से पढ़ा हुआ है। अब जो है उसी को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मॉडुलस फंक्शन को छोड़ के। अब जो लोग मॉडुलस फंक्शन नहीं पढ़े हैं वो हमारे ऑनलाइन गुरुकुल पाठशाला चैनल पे आप उस सेक्शन में जाके मॉडुलस फंक्शन बेसिक मैथ्स का मॉडुलस फंक्शन 1-2 लेक्चर्स को आप अटेंड करिए, वन बाई वन अधिक मॉडुलस फंक्शन को डील करना। छोटू टेक्निकल प्रॉब्लम आ जा रही है तो मुझे किसी को बुलाना पड़ रहा है, फैन नॉट। तो जैसे भी लास्ट वाले क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, आज कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, अब आई डोंट नो व्हाई इट इज़ दैट। चलिए तो हम लोग बेटा उन सारे लेक्चर्स को कवर करेंगे, तो हम लोग को मॉडुलस फंक्शन के बेसिक आइडियाज़ हो जाएंगे कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, हम उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, उसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है बेटा।
और उस पर एक से अधिक मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व हो तब कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, और सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, वो सारी चीज़ें आपको उन 4-5 लेक्चर्स में अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा अब थोड़ा सा अब आज के टॉपिक पे आ जाएं, आज इंट्रोडक्टरी टॉपिक ही होगा, अभी कई बच्चे जो है ऐड नहीं हो पाए, जुड़ नहीं पाए, उनके पास लिंक नहीं मिल पाया उनको, क्योंकि ठीक है, जो भी बच्चे बेटा जुड़े हुए हैं वो मैसेज कर सकते हैं, प्लीज़ डू द मैसेज कि आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, क्लियर है बेटा, प्लीज डू द मैसेज। चलिए तो हम लोग बेटा आज का टॉपिक कवर करते हैं, आज शुरू करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्या शुरू करते हैं बेटा हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये फंक्शन हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखें कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हुए हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़े हुए हैं तो उसी से बेटा रिलेट करना है हमको क्वाड्रेटिक फंक्शन को, और थोड़ा सा आइडिया हम लोग लेंगे कि बेसिक आइडिया ऑफ ड्राइंग द ग्राफ, तो ग्राफ भी हमको सीखना है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में हम लोग को कुछ क्वाड्रेटिक के नेचर मिलेंगे जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़े थे। हाँ बेटा रूबी, यस बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा रूबी, गुड मॉर्निंग, ओके ओके। चलिए बेटा तो हम लोग देखते हैं इसमें, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्या बेटा क्वाड्रेटिक फंक्शन, थोड़ा सा बेटा लिख नहीं पा रहा है, रुकिए देखता हूँ इसको, आप लोग टॉपिक नोट कर लें, कॉपी में लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। तो मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन से कहना क्या चाह रहा हूँ, यह टॉपिक कहना क्या चाहेगा क्वाड्रेटिक फंक्शन, देख बेटा क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है एज द नेम सेज क्वाड्रेटिक, तो ये रिलेशन आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्वाड्रेटिक बेटा इक्वेशन तो राइट हैंड साइड में है, ठीक है, यहाँ पे y है, मैं बोल रहा हूँ फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो मतलब फंक्शन जो वर्ड आता है उसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसको मतलब समझना पड़ेगा, लेकिन जब बेसिक मतलब हम ये समझ लें कि फंक्शन जो है एक रिलेशन है, और रिलेशन किस में, दो वेरिएबल्स में एक रिलेशन, वो एक स्पेशल तरीके का रिलेशन होगा जिसमें हर एक इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट आपको मिले, हर एक इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट मिले आपको, और रिलेशन हमेशा जो है वो फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसे बोला है तो दिस इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन है, उस रूल को फॉलो करेगा। तो अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसमें हमको क्या क्या सीखना है, तो बेटा हमको पहले बेसिक जो है इसका ग्राफ बनाना सीखना है, हम इसका ग्राफ कैसे बना पाएं, ठीक है। ग्राफ बनाने के बाद बेटा हम लोग ग्राफ में ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे इसका, फिर बेटा इसमें हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना सीखेंगे, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़े थे उनके कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। दिस इज द बेस इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बेसिक मैथ्स, और ये कई जगह यूज होगा आपके 11th में, 12th में, कैलकुलस में, मैक्सिमम मिनिमम बहुत जगह यूज होने वाला बेटा, इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी यूज होने वाला है ये, तो दिस इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अ स्टूडेंट हु इज इन क्लास 11th एज वेल एज इन क्लास 12th एंड प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE आर NDA आर वट एवर द एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, ठीक है बेटा। तो अब हम इसकी बात करें तो आप एक चीज ध्यान में रखें कि अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा हो जिसमें एक वेरिएबल हो लीनियर हो और दूसरा वेरिएबल जो हो क्वाड्रेटिक हो, एक वेरिएबल क्या हो बेटा लीनियर हो, कैसा हो लीनियर, लीनियर का मतलब पावर वन, दूसरा क्या हो क्वाड्रेटिक हो, क्या बेटा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब पावर टू, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टू, तो एक वेरिएबल आपका लीनियर हो जाए एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक हो जाए, तो ऐसी जब ऐसा कोई भी आप इनकाउंटर करें कोई फंक्शन कोई कर्व जो बनेगा यहां से बेटा इट विल ऑलवेज फॉर्म पैराबोला, क्या बनाएगा बेटा ये पैराबोला, इट विल ऑलवेज फॉर्म पैराबोला। पैराबोला कैसा होता है आपके दिमाग में बेटा, देखिए पैराबोला वर्ड जो है आपके लिए नया है, तो पैराबोला कैसा होता है, तो जरा आप इमेजिन करिए, आप कोई बॉल पकड़िए कोई पत्थर पकड़ लीजिए
और उसको बेटा थ्रो करिए, खूब तेजी से थ्रो करिए। जब इसको थ्रो करते हैं तो एक पाथ रिट्रेस करता है वो, लाइक दिस, बॉल को यहां से फेंका, बॉल ऐसे जा रही है और लाइक ऐसे आ रही है। अभी जो पाथ ट्रेस हुआ है, दिस पाथ इज पैराबोलिक पाथ। तो पाथ ट्रेस्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट विच वी हैव थ्रो लाइक दिस ओके, दिस विल ऑलवेज ट्रेस अ पाथ दैट इज पैराबोलिक इन नेचर। तो जो पैराबोला वर्ड आया है वो उसी से आया बेटा, किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करो, आप कहीं से थ्रो करो, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दो, तो उसके बाद बेटा वो ऐसे गिरेगा। तो ये जो कर्व आपको दिख रहा है ना, ये कर्व भी पैराबोला है। तो पैराबोला होगा तो क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इन अदर वेरिएबल, ये होगा क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इन अदर वेरिएबल, ठीक है बेटा, ये ऐसा होने वाला है। अब जरा ऑब्जर्व करें हम लोग, मैंने बोला आपसे क्या कि मान लीजिए ये आपका हॉरिजॉन्टल, ऐसे आप जो है धरती पर है, ये प्लेन है आपका, अर्थ का सरफेस है, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया तो बॉल ऐसे गई और ऐसे आगे गिर गई। अब ये जो पाथ आपको दिख रहा है, दिस इज पैराबोलिक इन नेचर। अभी जो पैराबोलिक पाथ आपको दिख रहा है, इसमें कुछ चीजें आपको देखनी है, कॉनकेव साइड कॉनवेक्स साइड। तो कॉनकेव साइड बेटा, इसका अंदर वाला साइड क्या है, कॉनकेव। तो ऐसे अगर दिखता हो, इस तरीके से आपको दिखे, तो हम बोलते हैं कॉनकेव साइड इज डाउनवर्ड। तो कॉनकेविटी इसकी क्या बेटा, डाउनवर्ड है। कॉनकेविटी क्या है, डाउनवर्ड है। अगर मान लीजिए हमारा स्मॉल जी जो है वो ऊपर की तरफ लगे, बॉल को फेंके और बॉल हमारा ऐसे चला जाए, तो ये भी बेटा पैराबोलिक होगा। और अब जो है पैराबोला बना, लेकिन कॉनकेविटी इज लाइक दिस, तो इसको बोलते हैं कॉनकेविटी। इसकी कैसी है बेटा, इसकी अपवर्ड, क्या बेटा, अपवर्ड। यहां कॉनकेविटी कैसी है बेटा, डाउनवर्ड, क्या है ये, डाउनवर्ड। इसी तरीके से अगर हम हर अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं, तो यहां बॉल ऐसे जा सकती है, ठीक है। अब चूंकि बॉल हमको ऐसे नहीं जाती है, लेकिन कर्व तो ऐसे बन सकता है, इसलिए हम कॉनकेविटी डाउनवर्ड की भी स्टडी करते हैं, कॉनकेविटी अपवर्ड की भी स्टडी करते हैं, कि पैराबोला अपवर्ड भी हो सकता है, पैराबोला डाउनवर्ड हो सकता है। मैथ में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ऐसे नहीं बना सकते, ठीक है, मैथ में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्लियर है बेटा। अब तो कॉनकेविटी अपवर्ड हो सकती है, कॉनकेविटी डाउनवर्ड हो सकती है। साथ ही साथ अगर मैं वेरिएबल को मैं चेंज कर दूं, एक्स की जगह वाई कर दूं, वाई की जगह एक्स कर दूं, तो बेटा तो भी पैराबोला बनेगा, लेकिन उस वक्त ये इस, तो कॉनकेविटी राइट हो जाएगी आपकी, राइट वर्ड, और कॉनकेविटी लेफ्ट वर्ड, ठीक है। तो कॉनकेविटी राइट हो जाएगी या कॉनकेविटी लेफ्ट हो जाएगी, क्लियर है, कोई डाउट। तो आपको एक बेसिक आइडिया भी रखना है, चूंकि हमारी पहली क्लास है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि टर्म्स हमारे सब नए हों, हम 10th से 11th में आए हैं, तो बेटा ये ध्यान देना है, हमको दिमाग बैठाना है कि एग्जैक्टली इस पूरे टॉपिक को कवर करने का मतलब क्या है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि एक वेरिएबल हमारा लीनियर है, दूसरा वेरिएबल हमारा क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक है तो बेटा ये हमेशा क्या फॉर्म करेगा, पैराबोला फॉर्म करेगा। तो ये इस तरीके का पैराबोला फॉर्म करेगा, या तो पैराबोला आपका कॉनकेविटी डाउनवर्ड बनेगा, या तो पैराबोला बनेगा तो कॉनकेविटी उसकी अपवर्ड होगी। अभी राइट लेफ्ट तब होगा जब हम वेरिएबल चेंज करेंगे। तो एक्स क्वाड्रेटिक है, वाई लीनियर है, तो पैराबोला बनेगा, और कैसा बनेगा बेटा, विद कॉनकेविटी इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड, विद अपवर्ड और डाउनवर्ड, क्लियर है बेटा। तो अब हम कैसे आइडिया लेंगे कि कब हमारा अपवर्ड बनेगा, कब हमारा डाउनवर्ड बनेगा। तो देख बेटा, अगर हम बात करें कि कोई भी चीजें कैसे कंक्लूजन में आती हैं, तो बेटा पहले एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है, और उस एक्सपेरिमेंट से हम सीखते हैं कि कब कैसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे शुरुआत में बॉल गिराई गई, नीचे गिरी, फिर गिराई गई, नीचे गिरी, फिर गिराई गई, नीचे गिरी, तो बेटा ये हमारे रूल में आ गया कि बेटा कुछ चीज जरूर है जो नीचे खींचती है, और बॉल छोड़ने पर हमेशा नीचे ही गिरती है। तो अब बेटा कभी आपके किसी बुक में नहीं लिखा होगा कि बॉल ऐसे छोड़ दिया जाए तो ऊपर चली जाएगी, बॉल अगर छोड़ा जाए अर्थ पे, आप छोड़ रहे हैं अर्थ के सरफेस पे, तो ड्यू टू ग्रेविटी ये नीचे ही जाएगी। सिमिलर वे में तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करके हम अगर देखेंगे तो हम जान पाएंगे कि कब हमारा डाउनवर्ड होगा और कब हमारा अपवर्ड होगा कॉनकेविटी। क्योंकि बेटा अभी हम 11th में आए, तो हमको बेसिक कॉन्सेप्ट बनाना है, हमको रटना नहीं है मैथ्स को,
मैथ्स को समझना है, मैथ्स को दिमाग में बैठाना है, मैथ्स को इमेजिन करना है, तभी मैथ इंटरेस्टिंग होगा। जैसे फिजिक्स बेटा हमको दिखता है, फिजिक्स में बल्ब चल रहा है, पंखा चल रहा है, एसी है, कूलर है, फ्रिज है, गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रेन, हवाई जहाज, ऑल दीज आर द फेनोमेनन ऑफ व्हाट, फेनोमेना ऑफ फिजिक्स, विद द हेल्प ऑफ द रूल्स ऑफ द फिजिक्स। बेटा बेटा शुभ बेटा, आप YouTube पे अपने जो चैनल पे ये आ रहा है, आप उसमें अपनी क्लियरिटी को बढ़ाइए। सबसे ऊपर जब जाएंगे तो तीन डॉट बने होंगे, तीन डॉट बने होंगे तो उसको क्लिक करिए और वहां से वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करिए, क्योंकि बेटा यहां से स्ट्रीमिंग क्लियर हो रही है। करके देखो बेटा, बेटा शुभ, ठीक है, इसको करके देखिए। आप अपने जहां पे वीडियो चल रहा है उसमें राइट मोस्ट कॉर्नर पे तीन डॉट बने होंगे, उन डॉट को क्लिक करिए और अपने स्ट्रीमिंग की उस क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, मतलब जो आपको दिख रहा है उसकी क्वालिटी को बढ़ाइए, 480 डीपी कर दीजिए बेटा, वो ऑटो पे सेट होगा, इस कारण क्वालिटी खराब आ रही है। ठीक है, करके देखिए, आई एम श्योर कि क्वालिटी सही हो जाएगी, यहां से स्ट्रीमिंग क्लियर है। प्लीज रिस्पॉन्सेस। चलिए बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं तब। ओके बेटा, तो मैंने क्या बोला कि हम करके देखेंगे, हम करके देखेंगे, करके सीखेंगे। तो बेटा अभी पहली क्लास है तो हम लोग इसको आराम से अच्छे से देख लिया जाए, ठीक है ना। और मैथमेटिक्स को बेटा याद नहीं करना है, बहुत याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करते हुए याद हो जाए अच्छी बात है, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, करके देखे दिमाग में इमेज बने। तो मैं सबसे बेसिक क्वाड्रेटिक फंक्शन ले रहा हूं जिसको हम 9th में 10th में ऑलरेडी पढ़े हैं। पहला जो है सिंपल सा रिलेशन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मोस्ट बेसिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया तो थोड़ा सा हम इसको ड्रॉ करके देखें इसका नेचर कैसा है। तो देख बेटा ड्रॉ कैसे करेंगे, ड्रॉ करने का बेसिक मेथड, x की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू मिलेगी, उससे पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स को हमको दिखा देना है, ठीक है बेटा, उन पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है और प्लॉट करके बेटा हम एक कर्व गेन करेंगे, वहां से ऑब्जर्व करेंगे कि कैसा बन रहा है और कॉन्केविटी इसकी कैसी है। ठीक है बेटा, चलिए जी, ओरिजिन पे दिस पॉइंट इज 0,0, यानी कर्व यहां से पास करेगा। फिर बेटा देखो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 तो चलिए x की वैल्यू 1, ठीक है y की वैल्यू 1, थोड़ा सा नीचे एक रफ आइडिया, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, ये पॉइंट कब मिलेगा, x की वैल्यू 1 यहां, y की वैल्यू 1 यहां, ये पॉइंट आपको यहां मिला। ठीक है, x की वैल्यू, अब इन दोनों के बीच में बेटा स्ट्रेट लाइन बनेगी कि कर्व बनेगा उसको चेक कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में एक वैल्यू ले लेते हैं 1/2, x की वैल्यू 1/2 तो y की वैल्यू 1/4, बेटा ये 1/2 पे नहीं आएगा, ये 1/4 पे आएगा, यहाँ आएगा, यानी कर्व कुछ ऐसे जा रहा है। ठीक है, एक आइडिया लिया हमने कि जब x की वैल्यू 1/2 रखी तो y आपका 1/2 ना होकर कहाँ आया बेटा, 1/4, इसका आधा यहाँ आ रहा है, यानी पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, यानी कि कर्व कुछ ऐसे जा रहा है, बीच के पॉइंट रखने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक आइडिया ले रहे हैं। फिर x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू बेटा कितना, 4, 2 रखने पर 4, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, यानी बहुत आगे चले गए हम लोग, तो 1, 2, 3, 4 आइडिया ले लीजिए कि लगभग यहाँ, यानी कर्व कुछ यूं जा रहा है, कर्व हमने ड्रॉ किया लाइक दिस, समझ आ रही बात, ये कर्व है हमारे पास। निगेटिव वैल्यूज में आइए, चलिए हमने ले लिया माइनस वन रखा यहाँ पे, तो माइनस वन का स्क्वायर 1, तो बेटा ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो क्या ये सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेट अस चेक। तो बेटा एक वैल्यू और रखते हैं माइनस वन बाई टू रखने पर बेटा ये आएगा 1/4, तो बेटा 1/4 तो हमको यहाँ मिला, यानी कर्व कुछ ऐसे जा रहा है, तो कर्व बेटा कुछ इस तरीके से जा रहा है, ना कि सीधा जा रहा है, ये पॉइंट ऐसे गुजरेगा। फिर एक वैल्यू और रख लीजिए माइनस टू पे बेटा, माइनस टू रखने पे 4, तो 1, 2, 3, 4 कुछ ये पॉइंट आपको मिल रहा है, मतलब कि कर्व जो है वो ऐसे जा रहा है। अब बेटा खुद देख के आप बताओ इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये कॉनकेविटी कैसी है। देखिए पैराबोला तो बना लाइक दिस,
पैराबोला बन रहा है और इस शेप में बन रहा है ऐसे, ठीक है, ताकि आप पानी जो है यहाँ पे ले सकते हैं। तो अब ये जो है पैराबोला तो बना, कॉनकेविटी कैसी है इसकी बेटा, कॉनकेविटी इसकी अपवर्ड है, कॉनकेविटी कैसी है इसकी, कॉनकेविटी इसकी अपवर्ड है। अब ऐसा क्या है यहां पर कि इसकी कॉनकेविटी अपवर्ड है, और क्या चेंज होगा तो कॉनकेविटी चेंज होगी, क्या चेंज होने पर कॉनकेविटी चेंज होगी, तो चलिए वो देखने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन का, वो है वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बेटा, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको भी बेटा ड्रॉ करते हैं, इसको भी ड्रॉ करते हैं हम लोग। चलिए एक्स की वैल्यू इनिशियली जीरो, जीरो पे वाई क्या आएगा, जीरो, यानी ये पास करेगा कर्व ओरिजिन से। फिर एक्स की वैल्यू बेटा देखो वन, एक्स की वैल्यू रखा वन तो वाई की वैल्यू मिली वन, ठीक है बेटा, एक्स की वैल्यू वन तो वाई की वैल्यू वन, तो वन पर वाई क्या बेटा, यहां वन और बाहर क्या लगा बेटा माइनस, एक्स की वैल्यू वन तो बेटा वन का स्क्वायर वन, बाहर लगा है माइनस, तो वाई आउटपुट क्या आएगा माइनस वन, बेटा ये रहा आपका माइनस वन। तो ये पॉइंट कहां मिलेगा आपको, एक्स की वैल्यू वन वाई की वैल्यू माइनस वन, तो दिस पॉइंट इज हियर, यानी कि कर्व ओरिजिन से पास करेगा और इधर इस पॉइंट से भी जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब इस बीच में क्या सीधे जाएगा, स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, ये कर्व फॉलो करेगा, तो लेट अस चेक। तो एक वैल्यू डाल दीजिए बेटा आप वन बाई टू, एक्स की वैल्यू वन बाई टू, तो वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर, वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर, तो एक्स आपका वन बाई टू तो वाई वन बाई फोर यहां दिख रहा है, लेकिन बाहर क्या बेटा माइनस, तो माइनस वन बाई फोर, तो ये आपका माइनस वन बाई टू और इसका आधा माइनस वन बाई फोर, यानी कर्व यहां है, इस पॉइंट से गुजरेगा, यानी कर्व कुछ ऐसे होगा, ठीक है। फिर एक्स की वैल्यू ले लीजिए टू, तो एक्स की वैल्यू टू लिया तो यहाँ रखा टू, टू की वैल्यू टू का स्क्वायर फोर, बाहर लगा माइनस, तो वाई इक्वल टू माइनस फोर, तो माइनस फोर बेटा कैसे लेंगे, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, एक रफ आइडिया, तो ये आपको ये पॉइंट मिलेगा, मतलब कर्व कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। अब निगेटिव वैल्यूज भी ले लें तो बेटा निगेटिव वैल्यूज भी, रिजल्ट वही आएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा वाई के अबाउट, तो कुल मिला के कर्व ऐसे आना है। अब जब कर्व ऐसे आया है तो कॉनकेविटी कैसी है बेटा इसकी, थोड़ा मैंने गलत बना दिया है, थोड़ा दूर बन गया है, आप इसको थोड़ा नज़दीक कर लेंगे ताकि सिमेट्री फॉलो हो, ठीक है बेटा। कॉनकेविटी इसकी डाउन वेव साइड ऑफ पैराबोला डाउनवर्ड, कॉनकेव साइड अपवर्ड, कॉनकेव साइड डाउनवर्ड, क्लियर है। अब देख बेटा क्या ऐसा हुआ है कि सेम तरह का एक्सप्रेशन, सेम तरह का क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको एक बार कॉनकेविटी अपवर्ड दे रहा है, कॉनकेविटी डाउनवर्ड दे रहा है। तो देख बेटा सबसे जो बेसिक डिफरेंस इसमें है, वाई और एक्स स्क्वायर तो बिल्कुल सेम है, बस ये माइनस साइन ये प्लस साइन ये बता रहा है कि कॉनकेविटी डाउनवर्ड है कि कॉनकेविटी अपवर्ड है। अब ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है हमारे पास ये है वन, ये पॉजिटिव है, वन है क्या बेटा, ये पॉजिटिव, ये सिर्फ वन पे नहीं, यहां पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा वाई का और हमेशा ऊपर ही बनेगा। तो यानी अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो भी यहां पे होगा अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो कॉनकेविटी कैसे मिलेगी, अपवर्ड मिलेगी आपको। और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट बेटा यहां क्या है, माइनस वन, यानी अगर ये कोफिशियंट अगर निगेटिव होगा तो एक्स कुछ भी रखेंगे वाई हमेशा निगेटिव मिलेगा, तो आपको हमेशा ऐसे मिलेगा। यानी अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट निगेटिव है तो कॉनकेविटी कैसे मिलने वाली है, ये हमेशा डाउनवर्ड मिलने वाली है। बात पकड़ में आ रही है आपको, यानी कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है उस क्वाड्रेटिक फंक्शन में हम ऑब्जर्व करें जो एक्स स्क्वायर है, जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसका कोफिशियंट कैसा है, ठीक बेटा बात समझ आ रही है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो यहां बेटा क्या है, ये वन है, वन मतलब पॉजिटिव, आपको वन से मतलब फिलहाल नहीं है कॉनकेविटी देखने के लिए, आपको ये देखना है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो दिस इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होगा तो कॉनकेविटी अपवर्ड होगी, ठीक है बेटा। और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट निगेटिव होगा तो पैराबोला बनेगा और कॉनकेविटी डाउनवर्ड होगी, ठीक है बेटा। अब ये हमने करके देखा है, हमने ड्रॉ करके देखा है, तो बेटा हमने जब ड्रॉ करके देखा है
तो हम इसका कंक्लूजन जो निकाल सकते हैं उस कंक्लूजन को हम समराइज कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? कंक्लूजन को हम समराइज कर सकते हैं। कंक्लूजन को समराइज कैसे करेंगे बेटा, क्या लिखेंगे हम लोग, आइए देखते हैं कि जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा तो वो क्या बनाएगा, दैट विल फॉर्म ऑलवेज पैराबोला। पैराबोला जो बनेगा वो किस तरीके का बनेगा बेटा, तो वो डिपेंड करेगा कि एक्स क्वाड्रेटिक है कि वाई क्वाड्रेटिक है, उसके हिसाब से उसकी कॉनकेविटी डिसाइड, उसके हिसाब से पैराबोला का नेचर डिसाइड होना है। तो हमारे पास जो है कि अगर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी है, तो क्वाड्रेटिक इन x, दिस एक्सप्रेशन इज क्वाड्रेटिक इन x एंड लीनियर इन y, लीनियर इन y, ठीक बेटा, तो फॉर्म्स व्हाट, फॉर्म्स पैराबोला विद कॉनकेविटी इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब इसमें दो कंडीशन है, पहली कंडीशन अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए अगर ये पॉजिटिव हो जाए, जैसे कि एक्स स्क्वायर में था, तो अगर आपका कोफिशियंट जो है ए, अगर ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, तो एग्जांपल ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू कैसा था बेटा, एग्जांपल में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे बना था, ऐसे बना था, याद है आपको बेटा, इसको याद रखेंगे हम लोग, रुकिए इसको मैं अरेंज करता हूँ, अच्छे से बना देता हूँ, तो इसको ध्यान में रखेंगे, क्लियर है, तो कॉनकेविटी इसकी अपवर्ड थी, तो इफ a इज ग्रेटर देन जीरो, तो एग्जांपल ध्यान रखेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट a दैट इज 1, 1 इज ग्रेटर देन जीरो, तो कॉनकेविटी वॉज अपवर्ड, तो कॉनकेविटी क्या हो जाएगी, अपवर्ड कॉनकेविटी, ठीक बेटा, अपवर्ड कॉनकेविटी, ठीक बेटा। फिर दूसरा कॉन्क्लूजन हम लोग निकाले हैं कि इफ a इज लेस देन जीरो, a क्या है, x स्क्वायर का जो कोफिशियंट है उसी को हम बोल रहे हैं a, ठीक है, x स्क्वायर का कोफिशियंट a, तो एग्जांपल भी ध्यान में रखेंगे हम लोग, क्या एग्जांपल है बेटा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे ड्रॉ किया था हम लोगों ने इसको, हम लोगों ने इसको ऐसे ड्रॉ किया था, तो कॉनकेविटी कैसी थी बेटा इसकी, डाउनवर्ड थी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड कॉनकेविटी। तो इससे आपके दिमाग में एक मैसेज जाएगा कि अगर कभी भी हमको क्वाड्रेटिक कर्व्स मिलते हैं, कभी भी हमको क्वाड्रेटिक कर्व्स मिलते हैं और एक्स में क्वाड्रेटिक मिलता है, एक वेरिएबल लीनियर है, एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक है, एक्स क्वाड्रेटिक है आपका, तो पैराबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा तो कॉनकेविटी इसकी या तो अपवर्ड होगी या तो कॉनकेविटी इसकी डाउनवर्ड होगी, या तो कॉनकेविटी इसकी अपवर्ड होगी या तो कॉनकेविटी इसकी डाउनवर्ड होगी। अब किस बेस पे हम कहें कि कॉनकेविटी इसकी अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, किस बेस पे कहेंगे बेटा हम लोग, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट के बेस पे। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो ए है, अगर ये ए पॉजिटिव हुआ, कभी भी ए पॉजिटिव हुआ, तो बेटा आपको ध्यान में रखना है, इमेजिन करना है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा था, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है बन रहा है उसमें कॉनकेविटी अपवर्ड है, तो इफ a इज पॉजिटिव तो कॉनकेविटी ऑफ द पैराबोला विल बी अपवर्ड, कॉनकेविटी ऑफ द पैराबोला विल बी अपवर्ड। वैसे ही एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट a, अगर a जो है आपका नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, तो कॉनकेविटी क्या बेटा, डाउनवर्ड, कॉनकेविटी क्या बेटा, डाउनवर्ड, क्लियर है। तो आप एग्जांपल भी ध्यान में रखेंगे, उस एग्जांपल को दिमाग में बैठा लेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे ड्रॉ होता है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कैसे ड्रॉ होता है, और उससे आप y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का प्राइमरी जो आपका मैसेज है कि व्हाट विल बी इट्स कॉनकेविटी, तो आप अपवर्ड या डाउनवर्ड ए को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं, ए को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं, ठीक है बेटा। तो पहली चीज आपको दिमाग में ये रखना है कि जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आए, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आए, तो वो हमेशा पैराबोला बनाएगा,
y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आए तो ये हमेशा पैराबोला बनाएगा। x में क्वाड्रेटिक है, y में लीनियर है, तो जो पैराबोला बनेगा उसकी कॉनकेविटी या तो अपवर्ड होगी या तो कॉनकेविटी डाउनवर्ड होगी। अब ये कॉनकेविटी अपवर्ड किस बेस पे होगी, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बेस पे होगी। अगर a पॉजिटिव है कॉनकेविटी अपवर्ड, अगर a नेगेटिव है कॉनकेविटी डाउनवर्ड। ठीक है बेटा, चलिए एक आध एग्जाम्पल से अंदाजा लगाते हैं कि कॉनकेविटी कैसी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए जाए बस कॉनकेविटी के लिए। बेटा अभी आज पहली क्लास है और जस्ट 10:30 बजे से आई थिंक 10:30 से या जैसे 10:45 से आपकी जो है क्लास होगी केमिस्ट्री की, ऐसा कुछ मैसेज आपको आया ही होगा, तो भी लिंक मिलेगा, आप उस लिंक को फॉलो कर लेंगे बेटा। ठीक है, लिंक का वेट कर लेंगे, उस लिंक से आप वो कर लेंगे आप, क्योंकि देखो बेटा ये वीडियो जो है ऑनलाइन गुरुकुल पाठशाला पे है, लेकिन बेटा ये पब्लिक नहीं है। इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को, इन ऑनलाइन क्लासेस को वही बच्चा अटेंड कर पाएगा जिस बच्चे को यूनिक आईडी गुरुकुल पाठशाला के माध्यम से दी गई होगी। तो चूंकि आप 11th के स्टूडेंट हैं, और भी लोगों को ये कन्वे कर सकते हैं कि वी आर विथ होल फैकल्टी ऑफ द गुरुकुल पाठशाला रनिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर IIT JEE फॉर नीट एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स नए बैच के लिए, कुछ बैचेस के लिए चल रहे हैं बेटा। ठीक है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, तो आप जो है नंबर नोट कर सकते हैं, ये नंबर है 9305107848, इस पर अपना डिटेल भेज देंगे आप। ठीक है बेटा, इस नंबर पे डिटेल में नाम, नंबर, पापा का नाम, नंबर, और किस क्लास में आपको PCM या PCB कौन सा ग्रुप आपको लेना है, स्कूलिंग नॉन स्कूलिंग डिटेल भेज देंगे, तो वो आपको एक नंबर प्रोवाइड करेंगे। उस नंबर पर आप जो है पेमेंट कर दीजिएगा रजिस्ट्रेशन फीस का, वो 1000 रुपीज़ है, तब बेटा आपको यूनिक आईडी मिल जाएगी, और यूनिक आईडी मिल जाएगी तो गुरुकुल पाठशाला ऐप पर आप अपना लॉगिन बना सकते हैं और आपको लिंक मिलेंगे, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी जिनके पास ये लिंक ना हो बट वो क्लासेस नहीं कर सकता हमारा, ठीक है, वो हमारे यूट्यूब। ठीक, तो एग्जाम्पल क्या लें, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है y इज इक्वल टू लिखा है x+1, ये क्या बनेगा, पहली चीज क्या बनेगा बेटा, व्हाट इट विल फॉर्म, इट विल फॉर्म पैराबोला। किस बेस पे कहा आपने कि पैराबोला बनेगा, दो वेरिएबल है x और y, x में क्वाड्रेटिक है, y में लीनियर, इट विल फॉर्म पैराबोला। पैराबोला में दूसरी चीज कॉनकेविटी कैसी होगी बेटा, इसकी कॉनकेविटी कैसी होगी, अपवर्ड की डाउनवर्ड, अपवर्ड की डाउनवर्ड। जो बच्चे बेटा साथ में है बताएं, ये एक्सप्रेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसकी कॉनकेविटी कैसी होगी, इसकी कॉनकेविटी अपवर्ड होगी कि डाउनवर्ड होगी। बट आप टेक्स्ट में ये मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट करिए कॉनकेविटी अपवर्ड की कॉनकेविटी डाउनवर्ड। क्लियर है, अपवर्ड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, अपवर्ड, अपवर्ड, वेरी गुड कुंदन, वेरी गुड रूबी। किस बेस पे हमने कहा बेटा, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज वन। ठीक है बेटा, तो वन इज पॉजिटिव, दैट्स वाई कॉनकेविटी विल बी अपवर्ड। अभी बेटा हम एग्जैक्टली ग्राफ नहीं बना रहे हैं इसका, लेकिन कॉनकेविटी इसकी क्या हो जाएगी बेटा, अपवर्ड हो जाएगी। क्यों होगी बेटा अपवर्ड, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन है, दैट इज पॉजिटिव। तो एक रफ आइडिया ले, ग्राफ किस तरीके का बनना चाहिए, ग्राफ इसका कैसे बनना चाहिए, कुछ ऐसे बनना चाहिए जैसे एक्स जीरो करे तो वाई इक्वल टू वन, तो यहां से पास करेगा और कॉनकेविटी अपवर्ड होगा, तो लाइक दिस ऐसे कुछ जाना चाहिए इसको। ठीक बेटा, तो लाइक दिस, ये एक रफ आइडिया है, नॉट एग्जैक्ट वन, ये मैंने रफ आइडिया लिया है बस ये बात बताने के लिए कि हमको एक पॉइंट साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं एक्स जीरो कर दूं तो वाई वन आएगा, तो एक्स जीरो कॉमा वन से पास करेगा, तो मैंने गुजार दिया इसको यहां से। ठीक है, और कॉनकेविटी इसकी अपवर्ड थी तो अपवर्ड ड्रॉ किया है, तो मुझे अभी एग्जैक्ट अभी हम लोग नहीं क्लियर है कि हम लोग कैसा इसको बनाएंगे, ये आने वाले क्लासेस में हम इसको सीखेंगे। बात समझ आ रही है, मुझे पता है कि कैसे बनना है, लेकिन मुझे आपको सिखाना है कि आप बना पाए एग्जैक्ट ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। अभी इस बात में क्या कर रहे हैं बेटा, हम लोग कॉनकेविटी की बात कर रहे हैं कि कॉनकेविटी इसकी अपवर्ड है कि कॉनकेविटी इसकी डाउनवर्ड है। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया वाई इज इक्वल टू 3 - x². तो बेटा ये क्या बनेगा, पहली चीज क्या बनने वाला है, ये इस कर्व को ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, पैराबोला बनेगा,
कि स्ट्रेट लाइन बनेगी, कि ये सिर्फ पॉइंट होगा? प्लीज रिस्पॉन्ड।